हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंडल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक इंटरेस्ट या एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ऐप्स में। तो इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहले आपको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टेम्पलेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ कर देता हूँ यहाँ से एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने नेम ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नेम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इंडस्ट्रियल एड्स, इंडस्ट्रियल फेसबुक एड्स। ओके, इसके बाद आपको जो सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैकेज नेम, यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसको भी चेंज कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है जो लैंग्वेज रहेगी वो आपको जावा ही रखना है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखेंगे वो सब जावा में ही लिखेंगे। ओके, अभी हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लोडिंग प्रोजेक्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड थोड़ी देर में ग्रेडल सिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करेंगे। तो मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल सिंक स्टार्टेड मूवमेंट अगो एंड थोड़ी देर में हमारे सामने ग्रेडल बिल्ड का मैसेज आ जाएगा। ओके, तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है ग्रेडल सिंक फिनिश इन 13 सेकेंड। ओके, अभी हम क्या करते हैं नोटपैड को ओपन कर देते हैं। ये जो आपको कोड विजिबल हो रहा है वो आपको कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस इस कोड को आपको कॉपी करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। आप इजिली इंटरेस्टेड एड्स को फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले स्टेप वन में आ जाता हूँ, मीन्स इस डिपेंडेंसी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। ओके, एंड अपने प्रोजेक्ट में जाने के बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड जो सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम इसमें पेस्ट कर देते जो डिपेंडेंसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो भी हमने डिपेंडेंसी कॉपी की थी इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें सिंक नाउ पे क्लिक करने से पहले इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं इंटरनेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एंड अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल सिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिट फिनिश होने तक वेट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है बिल्ड सक्सेसफुल इन 7 सेकेंड। अभी हम इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंटरनेट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जो यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है बिल्ड सक्सेसफुल का, हम इसको सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम नोटपैड में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो अभी नोटपैड ओपन हो चुका है। अभी हम जो सेकंड में दिखाई दे रहा है स्टेप टू, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ जो कि स्ट्रिंग है। तो कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसके बाद हम प्रोजेक्ट में चले जाते हैं एंड जो रिसोर्स दिखाई दे रहा है इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ में ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैल्यूज के नेम से, मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ एंड जो सेकंड में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ एंड इसमें जो भी हमारा स्ट्रिंग है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं कंट्रोल बी सी इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक इंटरेस्टियल प्लेसमेंट हमारा पेस्ट हो चुका है। अगेन हम नोटपैड में चले जाते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रही है स्टेप थ्री, इसको हम बटन को कॉपी कर देते हैं। ओके, एंड इसको हम पेस्ट करेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल में। तो हम चले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में एंड यहाँ पे देख सकते हो लेआउट, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड जो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ एंड इस टेक्स्ट व्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, एंड इसको क्लोज करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इसके बाद जो भी हमने बटन कॉपी की थी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरस्टेल के नेम से यहाँ पे बटन शो हो रही है। ओके, इसके बाद हमें अगेन नोटपैड में आना है एंड इसके बाद जो भी यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है इसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड आपको ध्यान में रखना है इस कोड को आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में पेस्ट करना है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया है एंड इसके बाद अभी हम चले जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे इसको हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। इसके बाद अगेन हम कोड में चले जाते हैं एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रही है बटन से, तो मैं इसको पूरे कोड को कॉपी कर देता हूँ जहाँ तक हमारा कोड फिनिश होता है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं एंड जो भी हमने कोड कॉपी किया था एक्टिविटी मेन के नीचे मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली पेस्ट कर दिया बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको बस अल्ट एंटर प्रेस करना होगा। तो मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ
सब पे मैं अल्ट एंटर अल्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देख सकते हो अल्ट एंटर जैसे ही मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इस पे भी एंटर कर देता हूँ। सेम हमें सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर रहे हैं, जो भी हमारे एरर रह गए वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं एक एक करके अल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास एंड सेकेंड अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास एंड सेम अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास एंड अगेन सेम अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। सॉरी यहाँ पे सेट रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, इसको आपको इंपोर्ट नहीं करना है। ओके सिर्फ जहाँ जहाँ एरर शो हो रहा है सिर्फ वही आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है। तो मैं सेम बटन पे भी कर देता हूँ अल्ट एंटर, तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो भी एरर था कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। अभी हमारा जो भी कोडिंग का पार्ट था वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ। ओके तो अभी आप देख सकते हो हमने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडर बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडर बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडर बिल्ड फिनिश इन 34 सेकेंड। ओके एंड इंस्टॉल का भी अभी ऑप्शन आ रहा है, थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं जब तक हमारा ऐप इंस्टॉल होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐप अभी लॉन्च हो रहा है एंड जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था इंडस्ट्रियल फेसबुक एड्स, सेम यहाँ पे भी शो हो रहा है प्रोजेक्ट का नेम एंड जो हमने एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन में बटन पेस्ट की थी सेम यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल थी वही इंडस्ट्रियल यहाँ पे भी शो रही है। अभी हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल पे क्लिक करके देते हैं, देखते हैं कि हमारा जो एड था वो शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो हम देखते हैं अभी इंडस्ट्रियल एड शो होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए थोड़ा लेट लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक टेस्ट ऐड जो इंडस्ट्रियल एड्स होता है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगेन आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ, इंडस्ट्रियल पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड शो हो रहा है। तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आएगा कि फेसबुक इंडस्ट्रियल एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऐप्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।